जब भी गणेश चतुर्थी आती है तो यूट्यूब लगा लो या इंटरनेट लगा लो या घर घर की बात लगा लो, सबसे ज़्यादा मोदक ही छाए रहते हैं, क्योंकि गणेश जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और गणेश जी को पसंद आने वाले ये मोदक कई तरीके से बनाए जाते हैं, बेसन से भी बनाए जाते हैं, सूजी से भी बनाए जाते हैं, आटे से भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बनाए जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर चावल के आटे के मोदक बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इन मोदक को बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप पानी लेंगे। पहले तो कोई भी कप सेट कर ले, कोई कटोरी कोई गिलास अपने घर में जो भी हो, मेजरमेंट के लिए कोई एक बर्तन सेट कर ले। थोड़ा सा पानी जब गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल देंगे, घर का देसी घी है, आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो घी जो है मेल्ट हो जाने देंगे, थोड़ा सा इसको भी गर्म हो जाने देंगे। पानी में अच्छा सा उबाल आ रहा है, यानी पानी बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है, पानी को हमें बिल्कुल बढ़िया गर्म कर लेना है। अब क्या करेंगे, हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा लड्डू में अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए। अच्छे से चीनी भी घुल चुकी है, बढ़िया सा उबाल भी आ रहा है, यानी परफेक्ट पानी गर्म हो चुका है, एक हल्की सी चाशनी बन चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और 1 कप यहाँ पर चावल का आटा ले लेंगे। चावल का आटा नहीं आपके पास है तो आप यहाँ पर सूजी भी ले सकते हैं। अब इसका बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, इसको बढ़िया बिल्कुल ठीक होने तक इसी तरीके से चलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया ठीक हो चुका है ये। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और 1-1/2 घंटे के लिए साइड में छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो सके, जिससे हमारे हाथ इसको टच कर सके। कवर करके रखेंगे इसको, नहीं तो इस पर सूखी पपड़ी जम जाएगी। अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। ये मैंने कद्दूकस ले लिया है यहाँ पे, और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, जिसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा इनको कस रही हूँ, मैं इनको कोट नहीं रही हूँ, ना दरदरा इन्हें कर रही हूँ और ना ही इनका मैं पाउडर बना रही हूँ। जो कसे हुए थोड़े से ये दरदरे से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, किसी भी रेसिपी में आप इनको डालो तो इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। तो इस तरीके से इनको कस लेना है। बादाम भी कस लिया है मैंने, काजू भी कस लिया है, और ये यहाँ पर मैंने पिस्ता भी कस लिया है। ये थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, दरदरा सा, थोड़ा मोटा दरदरा होता है। तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं। अब इनको रख देते हैं हम साइड में, किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करके। ये देखिए, आप चाहते हैं यहाँ पर इसको जो है पाउडर डालना तो पाउडर भी डाल सकते हैं, या काट के भी इनको डाल सकते हैं, टेस्ट के ऊपर बात है, आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा कर सकते हो। फिर हम ये गुड़ ले लेंगे यहाँ पर, 50 ग्राम के करीब हमें गुड़ कसना है इसमें से, तो इसको भी हम कस के ही डाल रहे हैं। कुछ लोग करते क्या हैं, जैसे गुड़ लिया और उसकी एक हल्की सी चाशनी सी बनाई और उसमें स्टफिंग को तैयार करते हैं। हम यहाँ पर कच्चे गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। गुड़ वैसे भी कच्चा भी मेल्ट हो जाता है, जब आप इसको कस लोगे तो ये मेल्ट ही हो जाता है, हल्का सा हाथ से टच करोगे तो एकदम ये जो है बंधने लगता है, जैसे लड्डू वाले आकार में आ जाता है। तब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल लिया है, थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स कसे थे मैंने वो भी डाल लिए हैं, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर ये किशमिश भी डाल रही हूँ स्टफिंग के लिए। तो इसकी हमें स्टफिंग तैयार करनी है लड्डू में, मोदक में भरने के लिए मिलाएंगे। और इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के रख लेंगे। गोलियाँ आपको इतनी बड़ी बनानी है जितना आपके पास मोल्ड हो, जो उसमें आसानी से आ सके, इस तरीके से। तो ऐसे इसकी सारी गोलियाँ बना के रख लेनी है। तो चलिए, यहाँ पर लगभग हो चुका है 1/4 घंटा। आ जाते हैं अपने डो के पास। जो डो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि डो आपका सूखा सूखा है तो आप वहाँ पर 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट बना था, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी भी पानी की या दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब मैंने यहाँ पर ये मोल्ड ले लिया है। मोल्ड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें घी लगाते हैं, अंदर से हल्का हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे, ताकि मोदक आसानी से डिमोल्ड हो जाए। थोड़ा सा ये मिश्रण उठाएंगे और इसमें अच्छे से सेट करेंगे, दबा दबा के सेट करेंगे, हल्के हाथों से नहीं, इसको थोड़ा सा टाइट हाथों से दबा दबा के सेट कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करेंगे। अब इसको बंद करेंगे, अच्छे से बंद करेंगे टाइट करके, और इसके बीच सेंटर में एक खाली जगह बना लेंगे, ताकि ये गोली हम इसमें रख सकें जो हमने स्टफिंग तैयार की थी। तो एक गोली उठाएंगे और आसानी से इसमें डाल देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे।
ये देखिए, देखिए कितना क्लीन निकला है। अगर आप घी नहीं लगाओगे तो मोल्ड, ये जो मोदक है वो क्लीन नहीं निकलेगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल चुका है। तो ये तो हुआ एकदम सादा मोदक। आप इस तरह से भी बना सकते हो मोदक, अगर आपको बिल्कुल सादे मोदक बनाने हैं, और अगर आपको थोड़े से दिखने में अच्छे लगने वाले थोड़े से स्टाइलिश मोदक बनाने हैं, तो चलिए वो मोदक भी तैयार करते हैं। इसको रखा मैंने एक प्लेट में, तो अब दूसरा मोदक बनाते हैं। यहाँ पे मैंने वही ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं थोड़े से, और इसमें मिला लिया है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। अच्छे से मोदक को फिर से मोल्ड को ग्रीस करेंगे, और जो ये पाउडर बनाया था थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डालेंगे। अब उसी मोदक की तरह इसमें ये मिश्रण को भरेंगे टाइट करके। इधर भी इसी तरीके से भर देंगे। अब इसमें एक गोला सा डालेंगे और इसको भी इसी तरह से बंद कर देंगे। तो सभी तरह के मोदक से आसान लगते हैं मुझे चावल के आटे के मोदक बनाने। बहुत ही ज़्यादा ये, इसका जो डो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और मोदक भी आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर मोदक निकला है। अगर आप यही ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस मिश्रण के अंदर डाल दोगे तो वो मज़ा नहीं आता है मोदक को बाहर से देखने में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बना है हमारा। वो हुआ सिंपल मोदक, और ये हुए हमारे स्टाइलिश। तो इसी तरीके से आपको सारे मोदक तैयार कर लेने हैं। देखिए कितनी आसानी से निकलते जा रहे हैं सभी मोदक। ये देखिए, तो इसी तरीके से आपको सारे मोदक तैयार कर लेने हैं। आप किसी भी चीज़ के मोदक बना रहे हो, मोदक बनाने से पहले मोल्ड को अच्छे से घी से या तेल से ग्रीस कर ले, ताकि आपके मोदक क्लीन होके निकले बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर सारे ही मोदक को तैयार कर लिया है। अब आप चाहे तो इन्हें इस तरह भी खा सकते हो, और आप चाहे तो इनको स्टीम करके भी खा सकते हो भाप में। तो मैं तो इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो ऐसी ही मोदक की और भी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और मोदक को ज़रूर देखिए। हर तरह के मोदक की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। उम्मीद करूँगी दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।